हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम कर रहे थे, आपको होमवर्क के लिए भी दिया था क्वेश्चन, उम्मीद है आपने जरूर सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से दी थी इस क्वेश्चन की। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डी मीटर जो है, ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, डायग्राम मैंने बताया था। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि अगर आपने कल क्लास अटेंड की होगी तो आपको समझ में आ रखा होगा, अगर नहीं की है कल की क्लास तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन मैं दोबारा यहाँ पे अभी समझाऊं, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं, सॉल्व तो आपको ही करना है। अगर आप चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाऊं, आपको एक्सप्लेन करूं, बताऊं कैसे सॉल्व करना है, तो हैंड रेज कर दीजिए अपना बस। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाऊं आपको दोबारा से, तो अपना हैंड रेज कर दीजिए अपनी सीट पे बैठे बैठे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, शाबाश, मेरे को कुछ हैंड रेज दिख रहे हैं, चलिए वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। जीआईसी लकी बाग से एंड जीआईसी खालू खेत से, दोनों से कुछ हैंड रेज मुझे दिखे। ठीक है बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए, मैं दोबारा से समझाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। ठीक है, जीआईसी खालू खेत, आई थिंक आप कल भी थे, आपने तो अटेंड की थी कल की क्लास, तो आपको तो समझ में आ रखा होगा ये क्वेश्चन। अगर किसी ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो अपना आंसर बता दीजिए बस। ठीक है, हो सकता है एक आध बच्चा ऐसा हो जिसने होमवर्क किया हो और सॉल्व करके आया हो, तो वो अपना आंसर बता देगा हैंड रेज करके। बाकी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी नोट डाउन नहीं करना आपको, अभी पेन साइड में रख दीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट डाउन भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर से हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इसको मैं पूरे को ही हटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंग्लिश में है क्वेश्चन, मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो बच्चों यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, 1.2, 1.2 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है लड़की की 1.2 मीटर। ठीक है, लड़की की हाइट बता रखी है स्टूडेंट्स 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे खड़ी है, ये जमीन है बच्चों। ठीक है, ग्राउंड पे ये लड़की खड़ी है और इसकी हाइट है 1.2 मीटर। अब क्या है कि ये देखती है एक गुब्बारा है ऊपर उड़ रहा है हवा में। ठीक है, एक गुब्बारा उड़ रहा है हवा में, ये एक गुब्बारा है हवा में उड़ रहा है। दूसरा बोला गया है कि ये मूव कर रहा है, चल रहा है हवा के साथ साथ चल रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा है। भाई गुब्बारा है, गुब्बारा तो और ऊपर जा सकता है और गुब्बारा नीचे की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ राइट की तरफ चल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है। मतलब ये इस लाइन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हुआ कि जो ये जमीन है, ग्राउंड है, इसके पैरेलली मूव कर रहा है, समानांतर दूरी पे चल रहा है लगातार। और कुछ समय बाद ये बलून पहुंच गया यहाँ पे, क्लियर है भाई, कुछ समय में यहाँ पे था, कुछ समय बाद यहाँ पे पहुंच जाता है ये, क्योंकि मूविंग बलून है। अब क्या बोला गया है कि जो बलून है, गुब्बारा है, उसकी ऊंचाई कितनी है जमीन से, जमीन से इस गुब्बारे की ऊंचाई है स्टूडेंट्स 88.2 मीटर, 88.2 मीटर है इस गुब्बारे की हाइट जमीन से। अब क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइस ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। भाई जब सबसे पहले उस लड़की ने इस बलून को देखा तो इसकी आइज से यहां तक ऐसे देखा होगा, ये चीज समझ गए,
भाई अपनी आई से ऐसे देखेगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा इसका? देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है बच्चों? जहां से हम कोई चीज देख रहे हैं बिल्कुल वहां से एक लाइन जमीन के पैरेलल खींच लो तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा जो हमारी आंख से ऑब्जेक्ट तक की लाइन खींचती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। इन दोनों के बीच में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मींस उन्नयन कोण। तो ये है 60 डिग्री। लेकिन उसके बाद बोला गया है कि कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये बलून चला गया थोड़ा सा आगे, गुब्बारा आगे चला गया। तो इसी चक्कर में ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ये 60 से घट के 30 हो गया। क्लियर है? पहले 60 डिग्री था, अब हो गया 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि गुब्बारा चला गया आगे तो एंगल भी कम हो गया, घट गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये डाटा आपके पास आ गया, फाइंड करना है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, कि गुब्बारे ने कितना डिस्टेंस किया। तो गुब्बारे ने तो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टूडेंट्स, है ना? तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ट्रायंगल्स का यूज करिए, जो भी आपको फॉर्मूले अभी तक सीखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं सारी नॉलेज अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कुछ बच्चे तो जरूर कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब देखिए, अगर किसी को अब भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप कि इस क्वेश्चन में कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, हैंड रेज करके पूछेंगे अपना सवाल, ठीक है? अदरवाइज समझ में आ गया है तो जल्दी से सॉल्व करें और आंसर बताएंगे आप, ठीक है? जल्दी से इसको सॉल्व करो बच्चों। बच्चों जैसे ही आपका आंसर आ जाए आप हैंड रेज कर लेंगे अपना, ठीक है, ताकि आप अपना आंसर बता पाए, और अपना माइक अपने पास रखिए। जीआईसी लखीबाग बेटा, आई थिंक किसी का आंसर आया है। अगर आपका आंसर आया है तो माइक लेके अपना आंसर बताएं आप। जीआईसी लखीबाग या जीआईसी खालीखेत, दोनों स्कूल में से किसी भी बच्चे का आंसर आया हो तो अपना आंसर शेयर कर सकते हैं आप। जल्दी से कीजिए इसको सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा यहां भी हम इसको देखिए स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। अब इसको मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल बनता है तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच हम नेमिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है? अब इनको आप ट्रायंगल मान सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? ये लाइंस हो गई, ठीक है, ये हो गई, ये लाइन हो गई, फिर यहां से ये हो गई, ये सब डिस्टेंसेस हैं, ठीक है?
ये हो गई, ये हो गई। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है वो देखिए, हमें निकालना है ए ई। क्या निकालना है? ए ई। तो लेट ए ई, या फिर ए ई क्या है? डिस्टेंस है ना। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। और क्या है ये? इस डायग्राम में ए ही है, इसको एक्स मीटर मान लेते हैं। क्या? एक्स मीटर मान लेते हैं। तो जो बलून ने, गुब्बारे ने डिस्टेंस, दूरी तय की है वो एक्स मीटर है, और वो यहाँ पे ए ई के रूप में है। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बोलूं तो वो क्या है भाई? ए ई इक्वल टू क्या होना चाहिए? देखिए ए ई ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक है, और सी भी यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि भाई पैरेलल है, ये ग्राउंड के पैरेलल है दोनों चीज। ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे, ठीक है, जितनी ये दूरी तय करेगा उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी सी, ए इज इक्वल टू बी सी होगा, और ये दोनों हो जाएंगे एक्स के इक्वल। ये दो चीज है स्टूडेंट्स जो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको तरीका बता दूं सॉल्व करने का। तो एक बार लेंगे हम बड़ा ट्रायंगल ए बी डी। क्या लेंगे हम? एक ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। अब ए बी डी में देखिए ये कितना है, ये तो 1.2 मीटर था। अब ये पूरा ए एच, ध्यान से देखना, कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज ए एच कितना है? ए एच है 88.2 मीटर, है ना, 88.2 मीटर है। तो ए बी कितना होगा? ए बी कितना होना चाहिए मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स। अगर ये ए एच पूरा कितना है? 88.2 मीटर है ये बी, और बी एच कितना है? 1.2 मीटर। तो ए बी कितना होना चाहिए? ए बी होगा स्टूडेंट्स 88.2 माइनस 1.2, और ये आ जाएगा 87 मीटर। कितना आ गया ये? 87 मीटर, 87 मीटर आ गया स्टूडेंट्स। तो ए बी कितना है? 87 मीटर। अब इस त्रिभुज में ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल? यहाँ पे है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? परपेंडिकुलर ए बी है जो कि 87 मीटर है, 87 मीटर है। परपेंडिकुलर का पता है, उसकी मदद से हम यहाँ पे बेस निकाल सकते हैं, आधार फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आधार का पता लगा सकते हैं हम इजी। इसके बाद क्या करना है, जब बी डी आ जाएगा हमारे पास, ये आधार आ जाएगा, तो हमें बी डी की जरूरत तो है नहीं, हमें किसकी जरूरत है स्टूडेंट्स? हमें जरूरत है बी सी की, क्योंकि बी सी है ए के इक्वल, और ए ही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पूरी लाइन की लेंथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहां से यहां तक की चाहिए। तो ये पार्ट एक्स्ट्रा है ना, ये पार्ट तो एक्स्ट्रा है, इसको घटाना है। मतलब बी डी में से अगर डी सी घटा दें तो आंसर आ जाएगा हमारा। डी सी कैसे पता लगेगा अब कि डी सी है कितना? तो उसके लिए बच्चों एक ट्रायंगल है ई सी डी, देखिए छोटा ट्रायंगल भी है हमारे पास ई सी डी, और ई सी कितना है? ई सी भी 87 है, ई सी है 87 मीटर। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस इसका भी निकाल लेंगे छोटे ट्रायंगल का। तो यहाँ से डी सी आ जाएगा हमारे पास, और जब डी सी आ जाएगा तो हम बी डी में से डी सी घटा के बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी सी ए ई के बराबर होगा, और ए क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून। तो अब कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेसिक चीज भी समझा दी है, अब कोशिश कीजिए, अब बता दीजिए मुझे आंसर। जी ऐसी लकी बाग बेटा, आप आंसर बताना चाहते हैं क्या? जो लड़की अभी खड़ी थी, क्या आपका आंसर आ गया बेटा? आप बताना चाहते हैं? आई थिंक आपने पहले हैंड रेज भी किया था, तो अगर आ गया है तो अपना आंसर बता दें आप।
या और किसी बच्चे का आंसर आया है तो आप भी बता दें, अदरवाइज इसको देखिए अब कंप्लीट कीजिए। मैंने अब पूरा क्वेश्चन बता दिया कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं जस्ट डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये डायग्राम कुछ इस तरह का है, ठीक है? मैंने सिर्फ लाइंस की फॉर्म में इसको लिखा है। तो देखिए, यहां पे क्या था, लड़की खड़ी थी, वो देख रही थी। तो यहां पे बलून के दो पॉइंट है ना, इसको नेमिंग दे लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं स्टूडेंट्स? ये पूरा एंगल है 60 डिग्री का, ये एंगल है 30 डिग्री का, और क्या चीज हमें गिवन है? और गिवन है स्टूडेंट्स ये हाइट 1.2 मीटर। तो ये सब 1.2 मीटर होंगे, है ना? ये सारे 1.2 मीटर होंगे। दूसरा भाई, ये पूरा ईजी कितना है? 88.2 मीटर। तो ए बी कितना होगा? 87 मीटर, एंड ये ईसी 87 मीटर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंसेस आपको पता हैं। आपको निकालना क्या है? एई जो कि एक्स मीटर है। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ए बी डी। भाई ट्रायंगल ए बी डी ले लिया, जो बड़ा ट्रायंगल है वो ले लिया, और यहां पे हम बेस निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे। कैसे? परपेंडिकुलर बटे बेस, बी बटे बी क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे टेन थीटा कितना है? वैल्यूज रख देंगे। चलिए हम परपेंडिकुलर ए बी है तो ए बी मैंने लिख दिया, आधार कितना है? बी डी है, बी डी लिख दिया, एंड टेंजेंट थीटा कितना है? थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। वैल्यूज रख दीजिए, ए बी की वैल्यू क्या है? 87 मीटर, 87 मीटर। बी डी कितना है? बी डी तो हमें फाइंड आउट करना है, एंड टेन 30 वन बाय रूट 3 है। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 87 रूट 3 मीटर इज इक्वल टू बी डी। तो बी डी की वैल्यू आ गई 87 रूट 3 मीटर, ठीक है? इसको यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है? दूसरा ट्रायंगल लेना है। बी डी की लेंथ तो आ गई, अब हमें डी सी की लेंथ चाहिए, तो डी सी की लेंथ भी निकाल लेंगे और उसके बाद बी डी की लंबाई में से डी सी की लंबाई घटा देंगे, है ना? पहले यहां पे नोट डाउन करो आप इसको। स्टूडेंट सबने कर लिया नोट डाउन? आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है ई सी डी, है ना? तो यहां पे इन ट्रायंगल ई सी डी, फिर से वही चीज, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर होता है लंब, बेस होता है आधार। क्या हो जाएगा ये? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा होगा। अब बच्चों क्या करना है आपको? परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर की जगह पे देखिए
ईसी है एंड आधार की जगह पे सीडी है। बटे सीडी कितना है? ईसी बटे सीडी टेंजेंट 30 डिग्री। अब ईसी कितना है यहाँ पे? ईसी 87 है। सीडी हमें निकालना है एंड टेंजेंट 30 कितना है? टेंजेंट 60 होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितना होगा? टेंजेंट 60, क्योंकि पिछले वाला टेंजेंट 30 था। देखिए ये एंगल कितना है? ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल सिर्फ 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री मतलब रूट थ्री, 1060 मीन्स रूट थ्री आ जाएगा। अब क्या करना है? अब स्टूडेंट्स आपको CD की वैल्यू निकाल लेनी है। तो CD चला जाएगा राइट हैंड साइड और रूट थ्री आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो CD इज इक्वल टू 87 रूट थ्री मीटर। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब CD आ गया आपका 87 रूट थ्री मीटर, इसके बाद हमें निकालना क्या? हमें निकालना है भाई, इस ट्रायंगल में देखेंगे, हमें निकालना है BC। और BC किसके बराबर होगा? ये BC, BC हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? हमारे पास BD है ना, तो BD माइनस CD से हम BC निकाल सकते हैं। बिकॉज BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, ये कर सकते हैं। अब BD निकल गया था हमारा और CD भी निकल चुका है। कितना है? देखिए CD तो है 87 बाय रूट थ्री एंड BD कितना है? 87 रूट थ्री मीटर। तो बस दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे तो BD है 87 रूट थ्री माइनस 87 बाय रूट थ्री और ये पूरा मीटर में होगा। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो BC किसके बराबर है ये भी देखते हैं। BC हमने किसके बराबर रखा था? यहाँ पे देखिए BC AE के बराबर है, है ना, और AE X के बराबर है। तो क्या हम BC को X के बराबर लिख सकते हैं? BC इक्वल टू X है ना, तो ये X के इक्वल लिख दिया हमने डायरेक्ट। अब क्या करेंगे? 87 यहाँ से कॉमन ले लिया, बच गया रूट थ्री माइनस 1 बाय रूट थ्री। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 87 इंटू यहां पे रूट थ्री आ जाएगा एलसीएम। ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है? वर्गमूल तीन गुना वर्गमूल तीन, तीन हो जाता है माइनस एक मीटर। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? अब इसका रैशनलाइजेशन यानी परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण में क्या होगा? रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाय रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम इसका परमेयीकरण कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो नोट डाउन करो ताकि आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर सके। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको? रैशनलाइजेशन करना है तो 87 इंटू 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 87 इंटू 2 बाय रूट 3, ये है। इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे तो रूट 3 बाय रूट 3 ये हो जाएगा। आगे हम 87 इंटू 2 और ये हो जाएगा इंटू रूट थ्री बाय, देखिए डिनोमिनेटर में रूट थ्री और रूट थ्री को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 से हम 87 को कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 टू जा 6, 2 कैरी, 3 9 जा 27। तो 29 इंटू 2 इंटू रूट थ्री ये हो जाएगा 29 इंटू 2 हो गया 58 रूट थ्री मीटर। अब आप सिंपली लिख सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय द बलून इज 58√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रॉपरली आप आंसर को लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहां पे आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अच्छे से नोट्स भी बना रहे हैं आप, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए घर पे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, तो अच्छे से उनको घर पे जाके सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।